मुख्यमंत्री योगी ने फिर बुलाई आपात बैठक, धार्मिक स्थलों के आसपास पैनी नजर रखने के निर्देश। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी को बताया कि पुलिस की रात भर गश्त का नतीजा रहा कि सुबह से प्रदेश भर से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको लगातार सतर्कता बरतने और खासकर सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मेडिकल कॉलेज परिसर में हुई हत्या के बाद पूरे प्रदेश के माहौल के बारे में जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह फिर अधिकारियों को तलब कर लिया। अधिकारियों ने उनको बताया कि पुलिस की रात पर गश्त का नतीजा रहा कि सुबह से प्रदेश भर से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको लगातार सतर्कता बरतने और खासकर सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में डीजीपी आरके विश्वकर्मा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था एवं अपराध समेत गृह विभाग एवं पुलिस के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज में सुबह से पूरी तरह स्थिति काबू में है। अतीक और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रदेश के समस्त संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ाते हुए लगातार गश्त की जा रही है। प्रयागराज में आसपास के जिलों में स्थित पीएसी की वाहनियों के कमांडेंट को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भेजा गया है। साथ ही पीएसी के कमांडो की कुछ टीमें भी लगाई गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में भी पीआरवी की संख्या को बढ़ाया जाए। 112 यूपी की पूरे संसाधनों का उपयोग करना होगा। अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रयागराज को जितने पुलिस बल की आवश्यकता हो मुख्यालय से उपलब्ध कराया जाए।